हेलो गाइस, वेलकम टू द सिनेमा गाय। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर नितिश तिवारी के मैग्नम ओपस प्रोजेक्ट रामायण के बारे में, विच विल टेल अस द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम। पर आगे बढ़ने से पहले लेट्स हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन विद द डायरेक्टर। नितिश एक IITian है जिन्होंने IIT बॉम्बे से अपना ग्रेजुएशन किया। ही स्टार्टेड वर्किंग इन बॉलीवुड आफ्टर सर्विंग एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर एट लियो बर्नेट, अ वेरी फेमस अमेरिकन एडवर्टाइजिंग कंपनी। नितिश ने पिछले कुछ सालों में हमें बहुत से नोटेबल प्रोजेक्ट्स दिए हैं, लाइक चिल्लर पार्टी विच वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन मूवी, छिछोरे अ कल्ट मूवी विच विल बी रिमेम्बर्ड फॉर इयर्स, दंगल द हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन मूवी टिल डेट, एंड हिज रीसेंट OTT रिलीज बवाल विच इज अगेन अप्रिशिएटेड बाय ऑडियंस एज वेल एज क्रिटिक। पिछले कुछ टाइम से ये स्पेकुलेट किया जा रहा था दैट नितिश इज वर्किंग ऑन हिज ड्रीम प्रोजेक्ट रामायण। ये प्रोजेक्ट अब फाइनली कन्फर्म हो गया है जिसे एक ट्रिलॉजी के फॉर्म में डेवलप किया जाएगा, एंड विद नितिश इन कमांड हमें काफी हाई होप्स है दैट समवन विल फाइनली गिव अस अ ट्रू सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऑफ दिस एपिक टेल। डायरेक्टर राजू हिरानी के बाद अगर कोई डायरेक्टर ऑडियंस के इमोशन पर उसी तरीके की पकड़ रखता है देन वो है नितिश तिवारी, एंड वी ऑल नो दैट रामायण इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ फैमिली इमोशंस। ये स्टोरी हमें एक आदर्श पुरुष की कहानी बताने के साथ ही एक फादर सन बॉन्ड को बताती है, and it also shows us the bond of his son with her mother and also with his stepmother. ye hame brotherhood ke bare mein bhi batati hai jab hum lakshman ji aur bharat ke character ko dekhte hain. it also shows us the beautiful bond of a husband and a wife. since it is a trilogy we believe that director in sab aspects ko cover karte hue hame ek bahut hi beautiful movie experience dene wale. movie mein bhagwan ram ke character ko play karne ke liye ranbir kapoor ko sign kiya gaya hai and we believe that he is a perfect cast for the role. हमारे पेरेंट्स एंड हमारी जनरेशन की अगर बात करें तो जब भी भगवान राम की छवि को इमेजिन करने की बात आती है तो हमें सिर्फ अरुण गोविल जी का ही चेहरा दिमाग में आता है, बट आफ्टर दिस प्रोजेक्ट इट सीम्स दैट रणबीर कपूर माइट टेक दैट प्लेस। मूवी में माता सीता के कैरेक्टर को प्ले करने के लिए साउथ से एक्ट्रेस साई पल्लवी को फाइनलाइज कर दिया गया है, एंड उनकी एंड रणबीर की केमिस्ट्री विल बी वेरी रिफ्रेशिंग फॉर द ऑडियंसेस। शी इज अ ग्रेट एक्ट्रेस और अगर आपको उनकी एक्टिंग देखनी है then we would advise you to see her movies like Premam, Kali, Fida, Love Story and Shyam Singh Roy. Sai South industry mein kafi famous hai and with this magnum opus wo Hindi audience mein bhi apne bahut se naye fans banane wali hai. Movie mein Ravan ke character ko play karenge rocking star Yash and monster Rocky Bhai se behtar Ravan mil pana would have been a mammoth task. Yahan hum specially zikr karna chahte hain actor Arvind Tiwari ji ke bare mein जिन्होंने रामानंद सागर जी की रामायण में रावण के कैरेक्टर को प्ले किया और ऐसा प्ले किया जिसे हम कभी भुला ही नहीं सकते। His portrayal of रावण was so authentic that it never looked caricaturish at all. एक मूवी अपनी आधी लड़ाई जीत लेती है जब डायरेक्टर फाइनलाइजेस द राइट कास्ट, जिसे ऑडियंस देखते ही उस कैरेक्टर में एक्सेप्ट करे एंड भूल जाए दैट ही सम एक्टर। एक परफेक्ट कास्ट से मूवी के हर सीन का कन्विक्शन लेवल भी काफी फोल्ड बढ़ जाता है। And looking at the cast of Ramayana, once you imagine these stars in these roles, आपको यही फील होगा that इनसे बेहतर ये रोल कोई और नहीं कर सकता। And that makes it easier for the director to go ahead with the project. आपको बता दें, मूवी में एक इक्वली इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए सनी देओल सर से भी बात चलने की खबरें आ रही हैं। सन्नी पाजी को हनुमान जी के कैरेक्टर के लिए अप्रोच किया गया है एंड वी होप दैट थिंग्स फॉल इन प्लेस बिकॉज सनी सर अगेन इज अ परफेक्ट चॉइस फॉर द कैरेक्टर। दारा सिंह जी के बाद इस कैरेक्टर में लोग किसी को देखकर इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं देन वो है सनी पाजी। प्रोजेक्ट में अभी बहुत से इम्पोर्टेंट रोल्स हैं जिनकी कास्टिंग पे कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर हम होप करते हैं मेकर्स देश के हर कोने से एक्टर्स को कास्ट करेंगे सो दैट मूवी को एक वाइडर रीच मिले, क्योंकि भगवान राम किसी एक पार्ट ऑफ द कंट्री तक सीमित नहीं है, उनके डिवोटीज पूरी दुनिया में है, एंड दैट्स व्हाई वी बिलीव दैट दिस मूवी विल बी अ परफेक्ट मूवी जिसे वर्ल्ड वाइड ऐसे स्केल पर रिलीज किया जाना चाहिए जो हाँ अब तक कोई इंडियन मूवी रिलीज ना हुई हो। मूवी की शूटिंग अगस्त 2024 में शुरू होगी। यश विल जॉइन द शेड्यूल लेटर ऑन बिकॉज फर्स्ट पार्ट में उनका एक कैमियो रोल रहने वाला है। यश विल डोमिनेट द सेकंड पार्ट विच विल बी बेस्ड इन लंका। मूवी के स्केल को देखते हुए वी ऑल कैन प्रेडिक्ट इस मूवी में VFX कितना इम्पोर्टेंट रहने वाला है, एंड फिल्म के मेकर्स ने इस डिपार्टमेंट को टॉप नॉच रखने के लिए ऑस्कर विनर कंपनी DNEG को हायर किया है। Overall, we can say that the vision of director Nitish Tiwari with this perfect cast and crew gives us an assurance that cinema lovers will finally witness a spectacular experience of this divine tale on the big screen. That's it for this video, guys. Video अच्छा लगा हो तो इसे like करें and अपने friends के साथ share करें.
सिनेमा जगत की और भी बातों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड एंजॉय सिनेमा।